मराठी बोलतो मी छान बोलतो पण काय इतका माणसाला बघून स्पीच देताना घाबरतो मी. मग सर्व गडबडच होते. मग त्यासाठी हिंदीमध्ये एक बोलणार मी. माननीय श्री सचिन पायलटजी हा बोला, आदित्य ठाकरेजी, नाना पटोलेजी, अनिलजी, प्रफुल्लजी और वर्षा भाभी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज एक इतनी खूबसूरत अवसर पर आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया. मैं 12-15 साल पहले यहाँ आया था प्रफुल्ल भाई के लिए ही, लेकिन मुझे मनोहर भाई ने जो इंस्टीट्यूशन सेट किए थे वो देखने मुझे तब नहीं मिला था, क्योंकि उसी दिन मैं दोबारा बम्बई चला गया था. आज यहाँ इन इंस्टीट्यूशंस को देखकर मैं दम सा रह गया हूँ, क्योंकि दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप जाए तो शायद ही इतना खूबसूरत, इतने सारे खूबसूरत इंस्टीट्यूशंस आपको दिखाई देंगे. और जैसे सचिन जी ने कहा कि टीचर्स और स्टूडेंट्स की भी जो रिजल्ट्स आप देखेंगे तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. उसके लिए बहुत 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 मुबारक. अभिनेता हूँ, नेता नहीं हूँ, तो स्पीच देना आता नहीं है मुझे. डायलॉग लिख के दिया जाता है और जो लिख के दिया जाता है हम बोल देते हैं, और अगर गड़बड़ होगी तो रीटेक भी कर लेते हैं, लेकिन यार रीटेक का मौका नहीं है. लेकिन वाकई बच्चों से यही कहना चाहूँगा, मुबारकबाद कहना चाहूँगा उन बच्चों को जो जीते, और बाकी के बच्चों को सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि इतना याद रखना कि एजुकेशन आपके लिए लाइफ के लिए एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन ही लाइफ है. बुद्धि की शास्त्र वो एक ही शास्त्र है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता. टीचर्स को, गुरुओं को शुक्रिया अदा कहना चाहूँगा, क्योंकि हम सब काम करते हैं, आप लोग सर्विस करते हैं हर दिन उन बच्चों को पढ़ाने के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं, इसलिए बहुत 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 शुक्रिया. और इतने सारे लोगों से यही बस कहूँगा जाते जाते कि थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, दैट्स वेरी स्वीट. बाद में मैं आके मिलूँगा कि मेरी पिक्चर की एक डायलॉग है कि जहाँ मैं अंजलि से कहता हूँ, लेकिन यहाँ आई थिंक पटेल फैमिली से कहूँगा कि मैं तुम्हें भूल जाओ ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा. तीसरी बार आऊँगा तो मेडिकल कॉलेज के इनॉग्रेशन में ही. और आप वहाँ से बोल रहे थे कि माननीय श्री उद्धव जी से बात करिएगा प्रफुल्ल भाई कि यहाँ मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, टूरिज्म के लिए बढ़ावा मिलना चाहिए. आई थिंक एक घंटा जो हम लोग फ्लाइट में थे, अगर प्रफुल्ल भाई ने कुछ कहा तो सिर्फ और सिर्फ आदित्य से यही कहा और कुछ नहीं कहा, सिर्फ आप लोगों के बारे में बात कर रहे थे और सिर्फ गोंदिया और उनके जिले के बारे में बात कर रहे थे. तो वो मैसेज पहुंच चुका है और आई थिंक जल्दी वो सब पूरा होगा. मुझे यहाँ बुलाया, इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू, धन्यवाद.